कश्मीर को इसीलिए जन्नत कहते हैं कि ऐसी जो है ना ब्यूटी। कामरान वहां से कितनी छोटी दिख रही थी। फाइनली गाइस पहुंच गए हम उस जगह। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। हाँ जी, नया दिन नई शुरुआत एंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं वैसी जगह एक्सप्लोर करने जो हमें खुद भी नहीं पता है। रिसेंटली हमने उसका नाम सुना है और कामरान भाई आज मेरे साथ चलेंगे, ठीक है जी। सो हमें जाना है हाजन, जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, पता नहीं 20-25 किलोमीटर होगा ऐसे, मुझे नहीं पता नहीं है मुझे ऐसे। सो वही हमें आज जाना है एंड उसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है। एंड चलिए आज उसको मिलके एक्सप्लोर हम करते हैं उस जगह को। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना एंड यार वीडियो को लाइक शेयर किया करें यार, जरूरत है, मतलब दिल से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे पेट्रोल। हाँ जी, तो पेट्रोल डाल दिया हमने, टैंक फुल माशाल्लाह पहली बार। तो चलते हैं अभी। हो गए हमें चलते हुए एंड अभी दिख रहा है मुझे कि उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पर हमें मिले उन्होंने बोला कि कम ही टाइम लगेगा। अभी अप्रॉक्स 20 मिनट का रास्ता है, 2 घंटे हमें हो गए एंड अभी 20 मिनट का रास्ता है। चलते हैं फटाफट से एंड एक्सप्लोर करते हैं। एंड यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जब भी हम कहीं जाते हैं मौसम ख़राब ही हो जाता है, ये हमें पता है, बट एक्सप्लोर करके छोड़ेंगे एंड देखते हैं फिर क्या होगा, आपको भी बताएंगे। सो चलते हैं आपको इस टाइम के बाद। हाँ जी, तो हेजन से पहले हमें एक ब्यूटीफुल सा ये रिवर दिखा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे जो है ये ज़्यादा पसंद आया मुझे, जो ट्रीज लगे हुए हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड अभी आपको दिखाते हैं ये अच्छा सा रिवर। वाह, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखिए जी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वहां पर हमें पहुंचना है ऊपर एंड ये देखिए क्या नजारा है भाई, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत। कश्मीर को इसीलिए जन्नत कहते हैं कि ऐसी जो है ना ब्यूटी, मतलब नेचुरल ब्यूटी है ये, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब जो मैं खुद देख पा रहा हूँ ना वो शायद ही कभी कैमरा में कैप्चर होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं शायद ही कभी कैमरा में कैप्चर होगा। सो अभी मुँह हाथ धो लेते हैं एंड फिर चलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें पहुँचना है, ठीक है जी। सो मुँह हाथ धो लेते हैं एंड फिर पहुँचते हैं। हाँ जी, तो एक बहुत ही बड़ा मसला यहाँ पर हो गया है क्रिएट, क्योंकि हमें पता नहीं है, दो रास्ते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, हमें पता नहीं है कि दोनों रास्तों में कहाँ जाना है। एंड यहाँ पर कोई है भी नहीं, कामरान भाई ये रहे एंड यहाँ से ये सड़क, यहाँ से ये सड़क एंड हम यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी का जो हमें बताए कि कहाँ जाना है। मैप यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो देखते हैं कहाँ से हमें जाना होगा। हाँ जी, देख सकते हो कि क्या बारिश ने हालत हमारी की, ये देखिए कुछ दिख नहीं रहा, मैं इसको पकड़ दूँ। एंड आगे रोड ऑफ रोडिंग रोड है भाई, स्कूटी तो नहीं चल सकती इसमें। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्कूटी को किसी अच्छी जगह पे रखते हैं, फिर देखते हैं अगर मौसम ठीक रहा तो जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं अभी, देखते हैं। एक्सप्लोर भी करना है हमें, वो तो छोड़ेंगे नहीं हम। सो सबसे पहले स्कूटी को रखते हैं हम साइड में, उसके बाद हम जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर रखी हमने स्कूटी साइड में एंड कामरान भाई, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश,
यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई, जब भी हम कहीं जाए, जब भी मतलब कुछ भी प्लान करें ना, बारिश तो आनी ही आनी है। सुबह मतलब इतना अच्छा मौसम था, बट क्या ही कर सकते हैं। बट मैं भी छोड़ता नहीं हूँ, मैं भी एक्सप्लोर करके ही छोड़ूंगा इसको। बाकी बारिश देख लो आप कितनी तेज़ पड़ रही है। तूने जैकेट वैकेट कुछ साथ लाता? मेरी स्कूटी में होता है, कोई मतलब सोच मत रहा होगा कि इसके पास क्यों नहीं है जैकेट, मेरे पास क्यों है, मेरे स्कूटी में होता है, बट ये भी अभी किसी काम का नहीं है। ए, ज़्यादा बारिश हो गई भाई। हाँ रुक जाते हैं यार, तू देख बारिश, खुदा की कसम। बट सर्दी नहीं है, मतलब बारिश पड़ रही है, ठीक ठाक अच्छी बारिश पड़ रही है, क्या ही कर सकते हैं। तो इतनी मेहनत हमने जिसके लिए की, मतलब हालत ख़राब हो गई, वो फाइनली हमारे आंखों के सामने है। एंड ये देखिए, वाह, वो जो पाइप दिख रही है आपको, बहुत ही ज़्यादा बड़ी पाइप है, इस पर अभी चढ़ के दिखाएंगे आपको। बहुत ही ज़्यादा लंबी पाइप है, आपको दिख रही है? ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा लंबी पाइप है। हाँ जी, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है घूम के, अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे, बट हाँ मज़ा आ रहा है घूम के, एंड थोड़ी बहुत रील्स भी हमने बना ली है। सो जो मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करता है, वो नीचे लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में या वहीं पर नाम चढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं पे तो चढ़ रहा होगा नाम। सो जाके चेक कर लेना इंस्टाग्राम भी, सो वहाँ पे रील्स डालता रहता हूँ मैं। एंड हाँ, ये बात मैं भूल गया, यहाँ पे ओनली आउटसाइडर जो है हम दो हैं, कामरान एंड मैं, और कोई नहीं है यहाँ पर, आउटसाइडर हम ही दो हैं। सो हाँ, करते हैं कुछ अच्छा सा। कामरान वहाँ से कितनी छोटी दिख रही थी। हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं हम पाइप के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी पाइप है, एंड वहाँ से जो है बहुत ही छोटी दिख रही थी, बट यहाँ पे जो है भाई साहब बहुत ही बड़ी है। सो हाँ, चलते हैं। ओ भाई साहब, वाह, देखिए भाई पाइप क्या है ये। कामरान पकड़ना यार, हाथ दे, आ जा वापस वहाँ से, आ जा, मैं गिर जाऊँगा फिर क्या करेंगे। वाह, इससे पानी, इसमें जो है, वेट अ मिनट, इसमें जो है पानी चल रहा है अभी प्रेजेंटली, सुन पा रहा हूँ मैं। वाह, बहुत ज़्यादा बड़ी पाइप है, पकड़ना हाथ, आ जा। एंड इसी के ज़रिए हम इसके ओरिजिन पे पहुँचेंगे हम, ठीक है ना, इसी पाइप के, इसी के ऊपर ऊपर चलते चलते ओरिजिन पे पहुँच जाएंगे। आ जा पकड़, देख कैसे है, कैसे है। वाह भाई, क्या मज़ा है यार, पकड़ पकड़, अब गिराना, अरे स्लिप हो जाएगी भाई, पर है तो है। ओ भाई साहब, हे स्लिप का खतरा बहुत ही ज़्यादा, ऊपर आके मुझे पता चला कि हाँ इसमें तो बारिश है, सो स्लिप भी हो सकती है। सो कामरान हम नीचे ही उतरेंगे यार, मान जा मेरी बात, मैं बहुत ही डर रहा हूँ अभी, प्रेजेंटली अभी मैं डर रहा हूँ। अभी मैं बता रहा था कि ये सेफ है, बट नहीं, ये सेफ नहीं है, ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है, बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं। यार मत चढ़ना कभी इस पे, जो भी यहाँ पर आएगा, गिरने के चांस बहुत है, अदरवाइज़ अच्छे से पैर रख सकते हैं, बट गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हाँ, नहीं इस पे कभी नहीं चलना, गिर भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट देख लो भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा हाइट है, एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, इसलिए मैं कैमरा में भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि पैर वैर फंस हो जाएगा तो गिर जाएंगे। हाँ अब बता लो, अब मैं नहीं डर रहा, अभी अभी सही है, ठीक है जी। बट हाँ, वहाँ तक चलेंगे हम, वहाँ तक चलेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ तक चलेंगे फिर, ठीक है। अच्छा खासा चल सकते हैं, बट नहीं यार, कभी ऐसा नहीं करना, चलते हैं ऐसे ही, बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पे, देखो हाइट नहीं है ना बिल्कुल भी, ग्राउंड के साथ टच है पाइप, सो इसलिए हम चल रहे थे वहाँ तक, बट यहाँ पे नहीं हम चल सकते। सो हाँ, जो भी यहाँ पर आए, आप भी मतलब आप, अगर आपके दिल में होगा कि हम इस पाइप के ऊपर चढ़े, सो हाँ वहाँ तक आप चढ़ सकते हो, वो देखिए पूरा ग्राउंड के साथ टच है,
अगर आप खुदा ना खास्ता गिर भी जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ से आप देख लो बहुत ही ज़्यादा हाइट है। सो हाँ, यहाँ से कभी मत चलना प्लीज़, यहाँ से कभी मत, इसके ऊपर से कभी मत चलना। बस अभी हम जा रहे हैं नीचे के रोड से एंड पहुँचते हैं इस पाइप के ओरिजिन पे। सो हाँ हाँ जी, तो अभी मैं आपको वो एक जगह दिखाने वाला हूँ जो मैंने सुना था कि ऐसा है। सो अभी देखते हैं कि ये सच है कि गलत। हाँ जी, सो चलते हैं। ये एक मान लो एक आप आस्थान टाइप मान लो, ये पूरा गेट वेट बना हुआ है, ठीक है जी। एंड ये ज़मीन जो है डेनलॉप जैसे नहीं होता है, वैसा ही कुछ ज़मीन है, पैर अंदर ही जा रहा है, मैं फील कर रहा हूँ। आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा बट मैं फील कर रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ जो है ये उल्टा है। मुझे नहीं पता है कि क्या उल्टा है, ये क्या उल्टा पेड़ है यार, ठीक तो है। बोला जाता है कि ये पेड़ उल्टा है, मतलब कि इसके रूट्स ऊपर है एंड ये नीचे, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिंपल सा पेड़ है ये, देखिए सिंपल सा पेड़ है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। बट हाँ, प्रॉपर तरीके से इसको बंद किया गया हुआ है, मतलब जब तक इसमें कुछ ऐसा ना हो तब तक इसको ऐसे क्यों कवर करते। बाकी पेड़ भी है देखिए, यहाँ पर आम से पेड़ बाकी बहुत है, पर इसका कुछ अलग ही है, अलग ही सीन है। कामरान देख रहा है, कामरान दिखा तुझे कुछ, आम ही सा ही है यार, ऐसा ज़्यादा क्या है, आम सा ही है, मतलब सिंपल पेड़ है, ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा जैसे लोग बोलते हैं, एंड नॉर्मल सा पेड़ है। बस पता नहीं क्यों इनको लगता है कि उल्टा है, मतलब रूट्स ऊपर है एंड ब्रांच ज़मीन के नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पेड़ है, बस सिंपल सा है। मैं जो देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी यहाँ के लोग बेहतर जाने। बाकी एक बार फिर देख लो आप, ये जगह है, ये पेड़ है। हाँ अभी चलते हैं यहाँ से, सिंपल सा पेड़ था और कुछ भी नहीं, आराम से चले यार, सिंपल सा पेड़ था और कुछ भी नहीं। तो अभी चलते हैं यहाँ से, हम आ रहे थे आगे जाना है, बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगी उस ओरिजिन पे, तो चलते हैं। फाइनली गाइज, हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके एंड बहुत ही ज़्यादा थक गए भाई, बहुत ही ज़्यादा थक गए, फाइनली पहुँच गए। आप सुन सकते हो कि पानी का शोर कितना है, ये आप सुन सकते हो। सो हाँ देखते हैं क्या सीन है, कितना पानी है, यहीं से पहले देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ओ भाई साहब, पानी देख लो भाई, बहुत ही ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। सो हाँ ऊपर से देखते हैं, यहाँ पे पूरा इसको बना के रखा है इन लोगों ने। वो वाव भाई, कितना ज़्यादा पानी है, कितना ज़्यादा पानी है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी है भाई। देखिए कहाँ से पानी आ रहा है, एक्चुअल में दिखाते हैं आपको, ये दिख रही है आपको नदी, ये ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा है एंड यहाँ पे जमा होता है, फिर यहाँ से निकलता है ये नीचे से, यहाँ से एंड अभी पूरा आपको मैंने आपको बोला था कि मैं ओरिजिन पे आपको ले जाऊंगा। सो हाँ ये है ओरिजिन, मतलब यहाँ से पानी आता है, ऊपर पहाड़ से पानी आता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जमा हो जाता है, फिर यहाँ से निकलता है एंड हाँ यहाँ से होके आगे जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बट यहाँ पे आप पूरा देख लो कि वो सीढ़ियाँ लगी हुई है ऊपर से, अगर आपको देखना होगा। सो हाँ हम भी ऊपर चलते हैं, हम भी ऊपर देखते हैं कि कैसा है ये। सो आजा कामरान, आ जाना यार। फाइनली गाइज, पहुंच गए हम उस जगह पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत की बट हमने नहीं माना एंड हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे। ये है वो जगह जहां से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी आ रहा है, दो जगह से पानी आ रहा है यहां, मतलब दो नदियां है, बड़े बड़े रिवर्स है जो कि ऊपर से आ रहे हैं, मतलब पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है। हाँ एक वो एंड एक ये, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी है एंड आप देख सकते हैं नीचे, बहुत ही ज़्यादा मैं डर रहा हूँ, मतलब सच बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से, वाह क्या जगह है भाई, बट माना नहीं हमने,
एंड हम आ चुके हैं यहाँ पर। कामरान क्या लग रहा है आपको? कामरान देखते हुए पानी को एंड बहुत ज्यादा डर रहा है, डरपोक है। पहले हमने रिजेक्ट किया था और हम नहीं चढ़े पहले ऊपर, बट हम मूड बन गया भाई, इसका मूड गया। मैंने इसको बोला भाई चलते हैं यार, अच्छा है, मतलब सेफ है मुझे लगता है, क्योंकि सीढ़ी भी थी एंड ये मतलब ये जो है आयरन का बना हुआ है। तो मैंने इसको बोला कि नहीं, इसमें मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ सकते हैं। सो हाँ, चढ़ गए ऊपर एंड बट डर है। यहाँ पे चढ़ गए हम इस जगह पे जहाँ पे आपको मुझे दिखाना है। ये पीछे का व्यू है कुछ ऐसा एंड ये आगे वाला कुछ व्यू है ऐसा। वाह, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। हाँ जी, तो अब यहाँ से पाइप नीचे से जाती हुई वो आगे आपको दिखेगी। यहाँ से हम निकल चुके हैं एंड हाँ, आगे देखते हैं क्या है। बाकी आपको तो पता ही है, ऐसे ही पानी उस पाइप तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एंड हाँ, आगे शायद हमें परमिशन ना हो, सो इसीलिए आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पानी जो है इस पाइप से निकलता हुआ जा रहा है, बट हम नहीं देख पाएंगे इसको। सो हेलो नहीं है यहाँ पर, वो देख सकते हो आगे कितना पानी है, कितना ज़्यादा पानी है आगे, ये आप देख सकते हो। तो हाँ, ये इस पानी से इस पाइप से जो है पानी निकलता हुआ बाहर आपको शोर दिख रहा होगा वहाँ पे, एंड दिख रहा होगा कितना फोर्स है। तो हाँ, नहीं दिखा सकते आपको क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है। सो अभी चलते हैं यहाँ से वापस एंड आपको अभी हम सीधे आपको किसी होटल में मिलेंगे अब, क्योंकि भूख बहुत ही ज़्यादा है। तो हाँ, स्कूटी तक अब हमें चलना ही चलना है अप्रॉक्स, और 25 किलोमीटर अभी और हमें वापस जाना है। सो हाँ, कोई भी वीडियो में अभी नहीं कैप्चर कर पाऊँगा। सो हाँ, अभी आपको सीधे होटल में मिलेंगे। सो बाय। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका हूँ मैं घर एंड हाँ, बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं पूरा भीग चुका था इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा एंड मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि तेज़ बहुत बारिश पड़ रही थी। सो इसलिए कैमरा पे बारिश आ रहा था, सो इसलिए मैं कुछ नहीं शूट कर पाया। मैंने सोचा कि घर ही पहुँच जाते फिर आपसे बात करेंगे एंड इस वीडियो को भी एंड करेंगे। सो हाँ, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, सो हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।